नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की अनदेखी कर रहा NH10 विभाग और रेलवे। दार्जिलिंग गोरखा हिल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन हिमालयन हाईवे ड्राइवर्स एसोसिएशन के द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस NHPC NH10 और रेलवे को हाईवे की जर्जर हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए यह आरोप लगाया। दार्जिलिंग गोरखा हिल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन छेत्री और हिमालयन हाईवे ड्राइवर्स एसोसिएशन के महासचिव उत्तम रॉय ने शिकायत की कि PWD NH10 विभाग राजमार्ग 10 का उचित रखरखाव नहीं कर रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर हालत के कारण विभिन्न वाहनों के चालकों और यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ से लटके हुए तेंदुए को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना सिलीगुड़ी संलग्न भारत नेपाल सीमा पर स्थित नक्सलबाड़ी के कलुआ जोत इलाके की है। रविवार को पेड़ के तने से लटकते हुए तेंदुए को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन और वन विभाग को सूचित किया। मौके पर उपस्थित मजदूरों ने तेंदुए को जंगल में भेजने का प्रयास किया, लेकिन तेंदुआ पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए SSB की बटालियन 41 की पुलिस वाहिनी भी मौके पर पहुंची। इसके साथ ही साथ वनकर्मी का कहना है कि भीड़ को देखकर तेंदुआ डरा हुआ है और पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वन विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयास से तेंदुआ पकड़ा गया और सोते हुए अवस्था में उसे बैग में डालकर गहरे जंगल में ले जाया गया। एक बार फिर मौसम ने ली है करवट। भारी बर्फबारी से पूर्वोत्तर सिक्किम जिला में स्थित लाचुंग बर्फ की सफेदी से चादर में पूरी तरीके से ढक चुका है। जानकारी के अनुसार भारी बर्फबारी से उक्त इलाके में स्थित पहाड़ों की गोदी में बसी झील सोंगमो, जिसे सोंगमो झील या चामुंग झील भी के नाम से जाना जाता है, बर्फबारी से पूरा इलाका बंद है। जहां इस मौसम के अचानक करवट से पर्यटक बेहद खुश हैं और इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। लाचुंग में हाल ही में वर्षों में पर्यटन द्वारा शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। शहर में घूमने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और यहां के मौसम के साथ प्रकृति का भी लुत्फ उठाते हैं। शनिवार रात अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट वीरपारा ब्लॉक के वीरपारा चौपटी इलाके में एक टायर दुकान में आग लग गई। खबर पाकर धूपगुड़ी दमकल विभाग के इंजन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। नुकसान का खबर मिलते ही पुलिस दमकल विभाग वहां पर पहुंची। तृणमूल की राष्ट्रीय कार्य समिति की पहली बैठक शुक्रवार को कोलकाता में होने के बाद अगली बैठक दिल्ली आयोजित करने की तैयारी हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो जाएंगे और इसके बाद दिल्ली में बैठक होगी। आपको बता दें कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने 20 सदस्यीय नई कार्य समिति के सदस्यों को पद आवंटित कर दिया है। एक सप्ताह पहले ममता ने पार्टी में एक व्यक्ति एक पद एक नीति को लेकर जारी उठापटक के बीच अध्यक्ष को छोड़कर शीर्ष नेतृत्व का सभी पद खत्म कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को कार्य समिति की बैठक कर पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए। राज्य में स्कूलों के खुलते ही आया कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि स्कूल 1 मार्च से पूरी ट्यूशन फीस की मांग कर सकेंगे। अदालत ने अभिभावकों के बकाया के लिए 50% की समय सीमा भी निर्धारित की है। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूल अब खुल गए हैं, ऐसे में 1 मार्च से स्कूल पूरी ट्यूशन फीस की मांग कर सकेंगे। निजी स्कूलों ने 20% शुल्क माफी के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। तब उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 19-20 में फीस में 20% की कमी करने का निर्देश दिया था। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन यानी CBSE द्वारा सेकेंड और हायर सेकेंडरी कक्षाओं को इस बार 2 चरणों में बोर्ड परीक्षाओं के पहले चरण यानी टर्म 1 परीक्षा के परिणामों की घोषणा इस सप्ताह के अंत की जा सकती है। हालांकि बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर CBSE टर्म 1 रिजल्ट 2022 की तारीख साझा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार CBSE 10वीं टर्म 1 रिजल्ट 2022 और CBSE 12वीं टर्म 1 की रिजल्ट 2022 को जल्द ही घोषित किया जा सकता है।
देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का प्रकोप खत्म होता दिख रहा है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों के द्वारा भी कोरोना की पाबंदियों में ढील दे दी गई है और कुछ हद तक देश में स्थिति सामान्य देखने को मिल रही है। वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते दिन कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं। 673 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान 48,847 लोग रिकवर भी हुए हैं। इससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4,20,86,383 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 2,24,187 एक्टिव केस है, इसी के साथ जिसकी दर 0.52% है। कोविड इन्फेक्शन से अब तक 5,11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? Educational counseling अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार, कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, करियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकेंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN Interiors Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri। नया Canon Pixma Ink Tank Photo Printer, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर, 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2,000 rupees फॉर अ जनरल डोर साइज पर पीस। दिस इज अ WPC फ्लोरिंग, यू हैव द लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC 4 ग्रेड, AC 5 ग्रेड अवेलेबल विथ अस, द PVC फ्लोरिंग, दिस इज वन डे वर्क फॉर वन रूम, दिस आर द वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग, स्टार्टिंग रेंज इज 65 rupees पर स्क्वायर फुट। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400। Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroseindia.com.